BODMAS BODMAS B means bracket, O means of, D means divide, M means multiply, A means addition, add, S means subtract. ठीक है ना, तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हटाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है ना, सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये, इसके बाद यदि नहीं होगा तो आगे बढ़ते जाएंगे। बस ये सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, सेकंड यदि नहीं है तो मल्टीप्लाई, थर्ड है तो ऐड, फोर्थ में और टू के पहले जो है हम इसके पहले डिवाइड के पहले ऑफ को इस्तेमाल कर, ऑफ सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 2a प्लस 4 इंटू ए प्लस 5b, राइट। ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। 2a प्लस 4 इंटू ए कितना होगा, 4 इंटू ए 4a, 4 इंटू 5 20 और ये b का b, आप जमा लेंगे। 2a प्लस 4a कितना होता है, 6a प्लस 20b। ये b है, ये a है, मतलब यही हमारा आंसर है, दोनों अलग अलग है। डू इट 5 टाइम्स। सेकेंड, 3a माइनस 4b माइनस 2b, ठीक है ना, डिवाइड माइनस है सॉरी, तो अपन पहले ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, 3a माइनस 4b माइनस 2b। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी b है और ये भी b है, दोनों सेम साइन है तो ऐड करेंगे, सेम साइन को ऐड करते हैं, मतलब 3a माइनस 4a माइनस 2b माइनस 6b। ठीक, ये है ब्रैकेट्स रिमूव किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3, 4x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3, माइनस कैसे हुआ, माइनस इंटू प्लस माइनस। इसके पहले मैंने ऑपरेशन पढ़ाया था, ऑपरेशन प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा और अलग अलग साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता है। ठीक, अब लाइक डेसिमल, लाइक टर्म को जमा लेंगे, ये दोनों टर्म को जमा लो, 4x माइनस 2x प्लस 3 माइनस 3, देखो माइनस 3 प्लस 3 जीरो हो गया, मतलब कट गया 2x, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, 2 इंटू 5x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 2, देखिए यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ कर दिया है, ये यहाँ पे ब्रैकेट होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा और ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट इधर होगा, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 10x प्लस 2 इंटू 3 6, ये ब्रैकेट के सामने माइनस है इसलिए ये नहीं दिया, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 4x माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो गया। अब लाइक कोफिशिएंट को जमा लिए, लाइक टर्म्स को, 6x प्लस 4, डू इट 5 टाइम्स, राइट। अब ये 30 माइनस 15 इंटू 4x माइनस 2y, ठीक है,
30 माइनस 15 से मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 इंटू 4 60 एक्स, फिर माइनस इन माइनस प्लस, 15 टू जा 30 वाई हो गया। अब सारे चीज़ अलग अलग है तो यही हमारा आंसर है, ठीक, क्योंकि ये एक्स है, ये वाई है, एक्स है, ये नंबर है। तो यदि एक्स एक्स दो रहते तो सॉल्व कर लेते, बना लेते, लेकिन नहीं बनेगा। डू इट 5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 6, 4.5 प्लस 2.5 इंटू 3.5 प्लस 8.5, 4.5 प्लस 2.5, ये दोनों प्लस करेंगे, 3.5 प्लस 8.5, 5 10, 8 4 12, ये 12.0 हो गया। हम मल्टीप्लाई करेंगे 12.0 को 2.5 से, थ्री थाउजेंड, 4.5 प्लस 3000, पॉइंट का लगेगा, पॉइंट के बाद एक संख्या और यहाँ पे एक संख्या, मतलब पॉइंट के बाद दो संख्या, दो के पहले पॉइंट लगा दिए, तो ये हो गया 30। अब कैसे करेंगे, 30.00 प्लस 4.5 आ गया, ये हो गया 34.50, फाइव टाइम्स, क्लियर।